एक बता रहे कि हे खुदा हम पर इतना सा एहसान करना कि जो हमसे दूर होना चाहे उसे हम उसे पहले ही दूर कर दें। समझ में आएगा और समझेंगे आपको। इसमें सबसे ये है, मैंने अभी तक ये दो एक साल पहले से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मुझे कोई चीज़ हम मांगते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ मुझे अच्छी लगने लगती है, तो मैं मालिक को इतना ज़रूर बोलता हूँ कि यदि ये मेरे लिए घातक हो, ये चीज़ और कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगे और मेरे लिए घातक हो, तो उस चीज़ को मेरी लाइफ से पहले दूर करूँ। एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ठीक है, मान लो कोई जॉब ऐसी हो जिसमें जाके फंस के आगे कुछ बुरा हो, वो मुझे भी अच्छी लगे, ठीक है। तो ऐसी वैसी कोई भी चीज़ हो तो मुझे अच्छी लगे लेकिन मेरे लिए अच्छी ना हो, उसको हमसे पहले क्या कर देना दूर। एक और सुनाता हूँ, ठीक बढ़िया से सुना। तो ये कुछ इस प्रकार से, कई कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि सर है ना कि हमारे मम्मी पापा को लेकर भी कुछ, ठीक है, तो उस तरह से कि मैं क्या शिकायत करूँ अपने बाप से, कि मैं क्या शिकायत करूँ अपने बाप से जो मुझे चाहिए वो मुझे पहले ही मिल जाता है, कि क्या शिकायत करूँ मैं अपने बाप से जो मुझे चाहिए वो मेरे मांगने से पहले ही मिल जाता है। और क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा, अरे अभी पूरा ही नहीं हुआ है यार। देखो आप डाली वगैरह सब टाइमिंग पे होनी चाहिए, जिंदगी में दो ही चीज़ का मजा है, एक टाइमिंग और एक सस्पेंस। समझ में आई बात, एक तो कोई चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, जबकि जिंदगी चीज़ जी उम्र में होनी चाहिए, बाकी उम्र में बचाना ठीक है बस, कोई मतलब एक सस्पेंस। अभी आप किसी को कोई चीज़ बोलो और थोड़ी सी बोलो कि यार बहुत अर्जेंट बात थी, मैं बताता हूँ, फिर बोलो कि चल यार अभी माहौल ठीक है, फिर देख रहे हैं, फिर देखो उस बात का मजा, अगले का मन ही ना लगे ना इधर ना उधर, देख रहे तो ये होता है सस्पेंस। समझ आएगा, चलिए इसको पूरा करते हैं कि क्या शिकायत करूँ मैं अपने बाप से जो मुझे चाहिए वो मेरे मांगने से पहले ही मिल जाता है, और मैं जैसा भी हूँ नीला काला पीला मुझे देखते मेरी माँ का चेहरा खिल जाता है। अब अपन मैथ्स पढ़ते हैं। और क्या बात, अब कुछ कौन पढ़ लेते हैं अपन। ये कौन है, कोटि पूरक कौन, कोटि पूरक कौन, चलो इससे पहले दूसरा करो चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका, लाइन है देखा और किरण ने टूटी चल रही है, सरवण अभी सब में आ जाएगा, ऐसे होते हैं सरवण रेखा किरण को जाओ ना आठ दिन से दूर रह गया है साथ में, अच्छा टूटी चल रहा है, टूटी ठीक है, टू टाइम है वो कहते हैं ना कि एक बार कोई बोले कि मेरा बैग खड़ा है, बच्चे बोले कि सर हम आपका बैग चेक करें, मैंने कहा साधु आदमियों को बैग चेक करते हैं, तो सर साधु आदमियों के बैग में ऐसा क्या होता है, मैंने कहा साधु आदमियों के बैग में आस्था पूजा आरती अर्चना आदि का सामान होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए अब इसमें है रेखिक कौन, यस अभी नहीं, ठीक है, देखिए इसमें आपका पूरक कौन, एक पूरक कौन है और एक संपूरक कौन, तो और एक है संपूरक। अब इसमें डिफरेंस समझना, अब मैंने ऐसे लिखा है तो इसका भी तो कोई रीजन होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, वरना एक लिखवाया फिनिश किया दूसरी बार। यदि कोई दो कोण ऐसे हैं जिनका जो सम है वो 90 डिग्री है तो वो तो होगा पूरक कोण, यदि कोई दो कोण है और उनका सम है वो 180 आ रहा है तब वो क्या हो जाएंगे, अब पूरक और सम। इसमें ऐसे ध्यान रखना कि पूरक में कुछ सम होता है तब जाके क्या बनता है संपूरक, मतलब पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 तो संपूरक इससे तो कुछ बड़ा ही होगा, तो उसमें दोनों कोणों का योग कितना 180, तो इसका तो अपन डेफिनेशन लिख देंगे कोई बात नहीं। मान लीजिए कि कोई दो कोण है उनका योग 90 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण, और यदि कोई दो कोण है और उनका जो योग है वो 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएंगे, संपूरक। अब
अब मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ, पहले लिखना नहीं है ठीक है ना, हमें साथ में दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। अभी मैं मुझे कुछ कुछ बीच में और याद आएगा मैं और भी बता दूंगा इसमें ठीक है। अभी देखो अब संपूरक कोटिपूरक इनका क्या मामला, मैं यदि बोलूँ कि क्या दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं, एक 60 31 डिग्री नब्बे, एक 15 एक 75 डिग्री नब्बे ठीक, 45 45 नब्बे, तो दो पूरक कोण एक क्वेश्चन आएगा अपने, क्या दो पूरक कोण दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं, इसका जवाब होगा हाँ। अब मैं पूछूं कि क्या दो न्यून कोण सॉरी दो अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं, नहीं, दो पूरक आपके अधिक कोण 90 से ज्यादा ज्यादा वाले दो का सम, तो इसमें क्या हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे कुछ जैसे भी बोलो कि क्या कोई दो समकोण पूरक कोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब मैं बोलूं कि क्या कोई एक अधिक कोण और एक न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब एक अधिक कोण दिया हल्का सा अधिक 91 ले लिया, अब चाहे 0 ले लो ना वो भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये मैं लिखाऊंगा आपको बढ़िया। अब इधर मामला देखिए, यदि मैं बोलूं कि क्या दो न्यून कोण है कोई भी दो न्यून कोण वो संपूरक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। दो न्यून कोण कोई भी ले लो 89 ले लिए तो भी सम किसके बराबर नहीं जाएगा, 180 बराबर नहीं जाएगा। मैं बोलूं आपसे कि एक क्या दो समकोण है वो संपूरक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते, ये हो सकते। क्या कोई दो अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, नहीं, दोनों के दोनों अधिक कोण है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, संपूरक नहीं हो सकते। एक अधिक कोण और एक न्यून कोण क्या हो सकता है, तो ये तो पहले तो आप ऐसे पूरक कोण और संपूरक कोण का ऐसे ढांचा बनाओ और उसके बाद एक इसका थोड़ा सा और ध्यान रख लेना वो मैं लिख देता हूँ। जैसे ये पूरक कोण है अन्य नाम इसको कोटिपूरक कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण, और इसको एक और नाम देते हैं अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण, और ये संपूरक कोण है ना इसको परिपूरक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिपूरक कोण ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है। इसी से डर लगता है सप्लीमेंट्री, उसको भी सप्लीमेंट्री बोलते हैं, वो लेते हैं ना एक्स्ट्रा। कितने लोग ऐसे थे जिनको बचपन में भ्रम था कि ये ज्यादा भरेंगे ना तो उसका एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर दो नंबर एक्स्ट्रा जुड़ता है, हमार सच में हमें तो था भाई, हमें ऐसा सिस्टम हमें लगता था कि ज़्यादा कॉपी करते हैं ना तो वो कॉपी एक्स्ट्रा लेने का उसका एक दो नंबर मिलता है, ऐसा हमारे, इसलिए हम क्या करते थे एक लाइन में एक दो तीन एक दो तीन ऐसे करते थे। और एक हमारे ये भी था कि जो पानी पीने और ये जो वॉशरूम वगैरह के जाते हैं इनका अलग से गवर्नमेंट देते हैं तो इनका एक डेढ़ नंबर कोई कम होता होगा, तो ऐसा हमें सिक्स में सेवन में पढ़ते थे ना तो ऐसा हमारे कम होगा ठीक है। हमें क्या हुआ एक बार कोई गुरु जी ने बोल दिया कोई बाहर जा रहा था तो उसने रोल नंबर लिखा कि सर रोल नंबर तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि बार बार नहीं घूमे उसका नंबर पड़ता है एक तो हम बैलेंस करते थे एक बार जाते थे तो एक सप्लीमेंट देते थे। इधर लिखना इधर वाले पूरा कोटी पूरा एंड कोटी पूरा अनुपूरक और पूरक इसमें लिखो थ्योरी में लिखो इस साइड थ्योरी में लिखो। देखो यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। तो वे आपस में कैसे कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं।
क्या था अपन क्या लिख रहे हैं? दो कोणों का योग, ठीक है लिखा है। यदि दो कोण जिनका योग क्या होगा, क्या लिखा है? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, हाँ तो लिख लो ना, तो उसको क्या कहते हैं? उन दोनों को पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, ठीक है लिख लिया। अब नीचे लिखना अर्थात कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ले लिख लिया। इसके नीचे क्वेश्चन लगा के लिखो, क्वेश्चन लगा के लिखो, क्या क्या दो न्यून कोणों का, क्या दो न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं? आगे लिखना, हाँ वो पहले छोटी क्लास में लिखते थे ना, TF क्यू पॉज क्यू पॉज। अब आज नीचे लिखना कि क्या कोई दो समकोण, क्या कोई दो समकोण पूरक कोण हो सकता है? आज मौसम जो है एमडीएच में घूमने दे सकते, सच पूछो तो क्या कोई दो समकोण पूरक कोण हो सकते हैं? तो इसके आगे लिखना नहीं। अब आगे लिखना क्वेश्चन नंबर 3, क्या समण? अब आगे लिखना है कि क्या कोई दो अधिक कोण, क्या कोई दो अधिक कोण, समण एमडीएस ले, समण तो अमर पूरा जिम्मेदार, क्या कोई दो अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं? समण जाते हो कि दम एमडीएस, एमडीएस गए होगी हनुमंत वाला, वो एमडीएस एमडीएस पर्सनलिटी को चले यार, वो मुझे भी देखना है लेकिन मैं देख नहीं पाता, क्योंकि 5 बजे के बाद उठते नहीं, 10 बजे से लेकर आते नहीं। हाँ बहुत देखो जाते हो आप एक बार, कहाँ है दिन को, दिन को बंद रहता है? हाँ 4-5 बजे खुलता है वो, 5 बजे यार, अरे अरे सेम है क्या? ये तो बहुत शानदार है, बहुत शानदार विरोध करते हैं सब। देखो कि क्या कोई दो अधिक कोण पूरक कोण हो सकते हैं? फिर आगे लिखना नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, लिखो नहीं। देखिए अब वो लगाओ उधर, संपूरक परिपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, जानते क्या? देखो क्या एक न्यून कोण और एक अधिक कोण, क्या एक न्यून कोण और एक अधिक कोण पूरक कोण हो सकता है? अब हम गलती के दिन से ले रहे हैं, 4-5-6 करना होते दे दिए, फिर ऐसे बनाएंगे प्रश्न कि क्या दो अधिक कोण पूरक कोण नहीं हो सकते? तो बोलेंगे हाँ हाँ नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो लिखो क्या एक अधिक कोण और एक न्यून कोण पूरक कोण हो सकते हैं? तो ये इसमें क्या गया? नहीं नहीं अब एमडीए चले गए बाहर निकलो, आप उधर शुरू करो, संपूरक परिपूरक एंड सप्लीमेंट्री एंगल, सर्वण लगा लिया ठीक। देखो यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं, अर्थात अर्थात करके ये डालना, अर्थात करके कौन सा और ऑन द स्पॉट ही बनाएंगे सीधे ही। अच्छे जानते नहीं हो ना आप, क्या अच्छा होता है आप क्या बता कितने अच्छे, देखो अच्छे की पहचान होना चाहिए, बाबर अच्छा लगता है क्या? देखो अर्थात कौन एक्स प्लस कौन वाई बराबर 180,
आगे लिखो कि क्या कोई दो न्यून कौन, क्या कोई दो न्यून सही करो मेकअप, क्या कोई दो न्यून कौन संपूर्ण कौन हो सकते हैं, मस्का वस्का निकालो हम तो ना के आते हैं वो भी बोलो, क्या कोई दो न्यून कौन संपूर्ण कौन होते हैं, अब आगे लिखो नहीं नहीं होते, नहीं होते रास्ता नहीं। नेक्स्ट एक्यूट है नेक्स्ट अगला लिखो, अगला लिखना है कि क्या कोई दो अधिक कौन संपूरक कौन हो सकते हैं, सर्वोत्तम कहाँ गए थे परसों, अलॉटमेंट लेटर यहाँ कहाँ मिला आपको, चैनल में आप जाओगे बटन बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट पाँच रुपये दोगे फिर जाओगे नहीं, जाया करो और सामने से लिया करो, ये कौन सा सिस्टम है देंगे रमाई, क्या कोई दो अधिक कौन संपूर्ण कौन हो सकते हैं, रास्ता नहीं संपूर्ण कौन हो सकता है, नहीं हो सकते रास्ता नहीं बोल रहे नहीं हो सकते, लिखो भाई नहीं हो सकते आप तो उसके लिए करो। नेक्स्ट देखो क्या कोई दो समकोण संपूर्ण हो सकते, चलो विनय का बोल रहे हो सकते हैं, हाँ लिखो इस लगा लिए। नेक्स्ट अब हम आपको पहले बताते हैं आसन कौन, आसन ये हो गया ना इतना ही कौन संपूर्ण कौन असर है, अब थोड़ी सी बातें करके उसके बाद दिखा देना तो ऐसा होता है, बताऊं क्यों लोग फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं, जैसे वो नाटक वगैरह नहीं देखते क्या मूवी वगैरह वो ब्लैक एंड व्हाइट आता है ना, इसका मतलब क्या है कि उसके दिमाग में वही चल रहा है, और जो लोग कार्टून देखते हैं उनको समझाने के लिए मैं बता देता उसके यहाँ पर एक बिंदु ऐसे फिर ऐसा है और इतना इसका मतलब इसके दिमाग में अच्छा दोनों तरीके से समझा देता हूँ, कोई मूवी देखे कोई कार्टून देखे तो फिर चलिए अब अपन देखते हैं आसन, आसन ये लो ये बात अभी समाज में बैठ आसन, आसन देखो कार्टून मूवी में एक चीज देखिए उसमें सबसे कोई कैसे ही पिचक जाए वो थोड़ी देर में सीधा होकर वापस आता है, मान लो ट्रक में चल गया वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, कोई मान लो कटर से निकल गया पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए लाइट में डाल दिया फिर भी वो थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। तो आसन कौन, आसन कौन इसको बोलते हैं, आसन कौन के बारे में विशेषता बताता हूँ कि कौन से दो कौन आसन कौन, आसन कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हेड टू सैंड, क्या बोलते हैं हेड टू सैंड, आपने कभी कभी सुना होगा कि वो लिखने से मुंह छिपा रहा है, वो कैसे छिपाते बताऊं ये लिखने से मुंह छिपा रहा है, आपको बात में समझ आएगा आप अलग से, अब जैसे ये ये O, ये A, ये B और ये C लाड़ लो, तो देखो A O B और B O C, तो ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण,
बराबर नहीं होते आसन कोण। अब देखो यदि आप, मैं बताता हूँ, यदि कोण ए ओ बी की बात है, पहले बात करते कोण लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, कोण लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जो एंगल ज्ञात करना होता है ना वो बीच में रखते हैं। भाई एंगल ओ पर बन रहा है ना तो ओ को क्या कहा रखते हैं, बीच, और ये ऐसे है ना इसका मतलब है कोण। सिंबल का ध्यान रखना, कई बार लोग फोटो खिंचाने के लिए बोलते हो ऐसे करके खड़े होते हैं, जबकि वो एक्चुअल में ऐसे होते हैं, ऐसे बी होता है ना, नहीं समझे क्या? हाँ ऐसे होता है तिरछा, अरे ऐसे होता है स्लाइड। कौन ए ओ बी, ये वाला है ये एक्स, और ये वाला कौन, ये मान लो वाई, तो इस एंगल को मैं लिख रहा हूँ कौन बी ओ सी, बी ओ सी मतलब बी से स्टार्ट हुआ ओ सी, तो ये दोनों कौन आपस में जो एक्स और वाई है ये क्या कहलाते हैं, आसन कोण। अभी मैं इसके बारे में पूरी प्रॉपर्टी बताऊंगा इसकी, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी, ठीक है? तो पहले मैं ना इसके बारे में बता दूं, यदि आपसे कोई आके बोले कि यार कोण ए ओ सी में कोण बी ओ सी आपस में आसन कोण है क्या, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने ए ओ सी की बात की ना तो ये दोनों ही आ गए, अब उसके बाद कर रहा है कोण बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी इसके अंदर है आसन नहीं, आसन का मतलब जस्ट चिपक कर पास पास बैठा रहना चाहता है। देखो तो कोण ए ओ बी मतलब ये वाला, और कोण बी ओ सी ये वाला, तो ये क्या हो गया आसन, समझ में आ गई बात? अब यदि एक पूरा ले ले एक ये दे दे तो वो आसन कोण नहीं। अब आसन कोण के कुछ गुण होते हैं, तो आप बोलोगे सर और ज़्यादा क्लियर करना होता है भाई इसके क्या क्या गुण है, इसका गुण ये है, गुण बता देता हूँ अब आएगा ना, अभी तो गुण बताऊँगा तब आएगा। नंबर एक चीज, जो दो आसन कोण होते हैं उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ मान नहीं शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष। अब आप बोलोगे कि सर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना, कॉमन कॉमन, जिसको आप आपकी भाषा में म्यूचुअल बोलते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होता है ना, फेसबुक आता है ना, वो मतलब वो आपका भी कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वर्टेक्स मतलब शीर्ष। अब आप एक चीज नोट करो, ये वाला एंगल है इसमें भी ये ओ है, और ये वाला जो एंगल है इसमें भी ओ है, तो मतलब वर्टेक्स होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी। नंबर दो प्रॉपर्टी, एक उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, भुजा होना चाहिए, उभयनिष्ठ एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। देखो कोण ए ओ बी इसमें भी ये लाइन है, और बी ओ सी इसमें भी एक लाइन है, तो मतलब एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ क्या होनी चाहिए, भुजा, ये चीज। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो विपरीत ओर होनी चाहिए। अब ये उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है ना, कॉमन नहीं है ना, तो ये किस साइड है, विपरीत, एक उभयनिष्ठ भुजा इधर है और एक इसकी इस साइड, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह विपरीत ओर होनी चाहिए। वे विपरीत ओर होनी, अब इसमें एक और चीज, अभी तो देखो, अब एक इसके बारे में नोट करके कोई बहुत ही अच्छी बुक बना था उसमें लिखा होता वरना नहीं लिखा होता, इसके एक अंत्य बिंदु का ही बिंदु बताऊंगा, जो बिंदु अंदर है वो अंत्य बिंदु इंटरनल पॉइंट, एंड जो बाहर है वो एक्सटर्नल पॉइंट, तो अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु देखो मतलब अट बिंदु रहना वो अंत्य अट रहे बिंदु पाए, तो मतलब इन दोनों कोणों में कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता, मतलब कॉमन है, यहाँ पर कोई बिंदु हुआ तो वो इसमें रहेगा, इसमें नहीं रहेगा ना, कॉमन नहीं, और वो यहाँ हुआ कोई बिंदु तो वो इसमें रहेगा, इसमें नहीं हुआ ना, तो मतलब कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं, मतलब कॉमन नहीं, तो ये नोट करके ये भी अपन विश्वास करते हैं कि कोई भी अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है, ये लाइन भी अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते, समझ आई बात? तो इस प्रकार से, तो अब इसके बारे में गाथा लिखना शुरू करो, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन ए ओ बी विथ, बताओ इस विथ वाले चीज
आप में से कितने हाँ अभी मैं कुछ बोलूँगा फिर आप सुनोगे फिर आधे घंटे तक सोचोगे उल्टा लिखो ठीक है ना कौन ए हो बी एंड कौन बी हो सी ये आपस में क्या है आसन वो आपने स्कूलों में नहीं दिखाया क्या वो वित्त लगा के फिर देखते हैं कि कितने इनके बीच में बनती है तो वो निकालते नहीं करते चलता था इसको आपके इधर मुझे लगता है सिटी में कम चलता है हमारे गाँव में उधर ज़्यादा चलता है हाँ वो फ्रेंडशिप का परसेंटेज निकाल देते हैं निकला है क्या कैसे निकालते हैं अब मैं अभी बताऊंगा तो आप बोलोगे सर क्या क्या निकालते हैं आप मेरे को आसन कौन बताएंगे हाँ मैं बहुत कुछ पता है बात कौन करूँ अब मेरे को पढ़ाई बात नहीं सुनती गेट द सेंट एंगल आसन कौन आवाज करते हैं नाइन में मुझे बाकी नहीं आती हाँ सही में सच में मैं बताऊँ ना मैं क्या करता था तो लोग बाकी इधर से स्टार्ट करते हैं इधर से शुरू करता था फिर उसमें बोलता है ना तो पड़ोस वाले सुधार लेते मैं वहाँ तक पहुँचता था मेरे आगे पड़ोस वाले मिलते ही नहीं इसे उधार लें क्या करें नाइन्थ तक फिर नाइन्थ के बाद थोड़ी थोड़ी बाकी मोड़ा भाग ऐसे सीखा फिर टेंथ में मैं बताऊँ ना सर कुछ मैंने टेंथ की सर्दी की छुट्टियों के बाद से उसके पहले मेरे दस में से एक दो ऐसे नंबर आते थे पढ़ रही टेंथ क्या है खेलों ने कंडीशन में थे फिर जाके जो सब 65% हो गया वो 65% में हम टॉप करके लाट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में थे 65% को टॉप कर लिया अब मैं आपको बताऊं आपके सर्दी की छुट्टियों से पहले तो कुछ ही नहीं पढ़ा ना तो नोटबुक थी ना बुक थी ना कुछ नहीं सर्दी छुट्टियों के बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद से कंटिन्यू आज तक पढ़ा अब ऐसा मत पूछना कि सर्दी छुट्टियों में क्या हुआ मुझे सभी यही पूछते हैं कि सर्दी छुट्टियों में ऐसा क्या हुआ सर्दी छुट्टियों में देखो मेरे पिता ने हाथ ही नहीं लगा तो उसके बाद मैं छुट्टियाँ खुली ना उसके बाद मैं 12-13 घंटे 14 घंटे बहुत पढ़ता था वो एम एस करिए से तो नहीं अभी भी वैसे ही पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं इसका क्या कनेक्शन है भाई खंड का और ये लिखा अब आसन कौन एडजेसेंट एंगल लगा के अपनी ये चित्र बना देखो रानी मॉन वर्ड कर रहे हैं दिखा दी मुझे मॉन वर्ड करो मॉन वर्ड उनसा दस कम वो दस क्या मांगा मैं सीधी से मॉन वर्ड को ऐसा तो नहीं है कि खाने वाला बस कर नहीं रहा तो भी मॉन वर्ड शुरू कर दे खाना फुल खाए बोलेंगे नहीं आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा अभी तक आप चित्र बना रहे हो या आप अपनी मर्जी से ही छाप रहे हो बढ़िया तरीके से पहले लिखना है आसन कौन फिर बनाना है चित्र चित्र के नीचे लिखना है कौन ए ओ बी विद कौन बी ओ सी आसन कौन फिर नीचे लिखना है आसन कौन के गुण और फिर लिख के लिए गुण गर्म लिखने हैं उसके बाद नोट लगा कर मुझे बोलना ठीक है ना 2000 नोट लगा कॉपी इधर लिखा देखिए बोला करो यार लिख लिया वगैरह क्या बात है आप बोलते हो हमारे कॉल
हाँ सच में अभी हो सकता तो भेजा ही लिखो नोट पे लिखो समा दे लिखो नोट पे लिखो इसमें लिखना कि आसन कोणों के लिखना कोई दो आसन कोणों के अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते किन्हीं दो आसन कोणों के किन्हीं दो आसन किन्हीं दो आसन कोणों के अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते हैं सर लिखना बाद में बना
अच्छा डायग्राम बना रहा बैठा मस्त। अरे बना लो में वो पूल चला दिया सौर ऊर्जा होता है सौर ऊर्जा से संचालित ये संजीव क्रूज क्रूज होता ना जिसका आना सागर में इस बार जाएंगे देखने में बोलो बैठ ही सकते हैं इसमें हाँ लो मतलब तुम बैठ अब ऐसा मत बोलते ना सर वो तो पानी में तैरता है क्रूज का मतलब चलता फिरता होटल घर रेस्टोरेंट पानी में तैरता हो उसको पहले नहीं होते तो आप स्मेल पर क्यों जाते हो आप इसकी खूबसूरती को देखो ना बिल्कुल हाँ ये बात है खूबसूरती कितना आसानी पर पता चलती है समझ आई बात तो आप उसको देखो क्या है उसका एक नाइट भी बहुत शानदार होता है आता है कि नहीं आता तो फिर और उसके बीच में वाइस लैंड बना बहुत शानदार है अब जिसमें इतनी अच्छी चीजें होना उसकी एक बुराई भी एडजस्ट कर लिया अगर प्लाट में वरना जिंदगी में कोई परफेक्ट चीज थोड़ी मिलेगी आप समझा करो लिखा देखिए कौन योग जिन दो आसन कौन हो राजस्थानी समझ लो लिखो जिन दो आसन कौन का योग जिन दो आसन कौन का योग वन एटीट्यूड क्या हुआ सर अच्छा जिन दो आसन कौन का योग 180 डिग्री हो वे रेख कोण युग्म कहलाते हैं अब चित्र बना लेना फिर नीचे लिखना अर्थात कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री ऐसे लिखा करो ताकि पता लगे किसी प्रोफेशनल ने कुछ लिखा फिर आप प्रोफेशनल बात नहीं डाट वन रोडियो देखो अर्थात कोण x प्लस कोण y इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 अब नीचे लिखना एग्जांपल फिर ये एग्जांपल उनका योग 180 होगा ना जैसे मैं बोलूं कि 130 एंड 50 रेखीय कोण युग्म में तो आप उन दोनों को जोड़ोगे 180 आएगा इसमें तो रेखीय कोण हाँ तो बिल्कुल देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो आप जैसा बोल रहे हैं वो वहां नहीं बात शंका का समाधान है आप पूछ लो उल्टा सीधा कुछ ये कॉमन नहीं है ये कॉमन है सीधी रैमिंग से मतलब नहीं है एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए फिर वो सीधी हो चाहे टेढ़ी हो समझ आएगा देखिए हाँ तो उभयनिष्ठ रहनी चाहिए ना था क्या नहीं होता तो काम ही नहीं चलता ये भी आप कौन है आसन कोण के बच्चे हैं ये रेखी कोण युग्म वगैरह समझ में आई क्या बात ये एक विशेष प्रकार का आसन कोण है समझते जब तक मैं कोई स्पेशल एग्जांपल ना दूं तब तक आप कुछ समझ नहीं आता तो देखो ना ये ऐसे है ना ये ऐसे होता है जैसे ये है दो एंगल ऐसे है ना ये 30 है ये 40 है तो ये आसन है आसन कोण खूब सारे आसन कोण है उनमें से वे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो रेखीय कोण युग्म मतलब आसन कोण का एक प्रकार है रेखीय कोण युग्म तो मतलब जो रेखीय कोण युग्म है वो 100% आसन कोण है ठीक है लेकिन कोई आसन कोण है तो जरूरी नहीं कि वो रेखीय कोण युग्म हो कन्वर्स इज नॉट ट्रू चलो आगे अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा ना मेन बात ये कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे अब अपन तरह तरह के बनाते
चित्र बनाना आना चाहिए, बनाना कम से कम आना ही चाहिए। एक बार कोई हमारे स्टाफ थे फीमेल फिजिक्स के, उन्होंने कहा कि सर मुझे कि अभी शादी है दिसंबर में, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा मैम बनाना आना चाहिए, तो पूछ लो या तो खाना बनाना आना चाहिए या फिर अगले को बनाना आना चाहिए। समझ में बात, ठीक है अगले को बना दिया तो खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप मिलते क्या बात है आप सीधी लाइन है तो इसके नीचे भी 180 ऊपर भी 180 मतलब ऊपर जो है 120 और जो एक्स है इन दोनों का योग है 180 डिग्री तो x = 180 - 120 x = 60 ठीक है। आप देखिए आप इसके नीचे देखिए और क्या क्या मामला हो सकता है। मान लो मामला थोड़ा संगीन और आप से ये इस पर एकदम सीधा लाइन है और साथ साथ इसकी सीधी लाइन पर भरोसा नहीं करने का क्योंकि ऐसा लगाया हम कभी इसको भरोसा नहीं करेंगे ठीक है। नहीं नहीं बिकॉज इधर x है और इधर कुछ है नहीं, इधर x नहीं इधर 40 और कुछ है इसका मान आप क्या करें। तो आप एक काम करना, आपको पता है कि ऊपर ऊपर जितना माल है ना उसका वैल्यू कितना है 180 तो देखो ये कितना 90 ये कितना x ये कितना 40 इन सब का योग 90 और 40 कितना है 100। अगर मुझे पता ही नहीं था ना कि 50 आगे इसलिए कर रहा हूँ 180 x बराबर कितना हो गया 50 वो तो बात समझ में आई नहीं है समझ आ गई। अब देखिए इसका और आगे कैसे हो सकता है। कभी कभी लाड में बेवकूफ बना देता है रेशियो दे देता है अनुपात है तेरे यार फिर आपको बोल दिया ए अनुपात बी है वो दो अनुपात ए। अब आप ए और बी का मान बताओ तो आप एक काम करना, आपको पता है कि टोटल जो दोनों का योग कितना है 180 अपने दोनों का योग कितना है 3 बोले कोण एक ज्ञात करो तो कोण दो कितना हो गया आपका 120। आपको पता है पर्सन ने बोला कि दोनों का योग कितना है 120 नीचे 3 बोले बी का मान ज्ञात करो तो ये कितना आ गया। तो बोलो इस प्रकार से आप घटना को अंजाम दे सकते हैं कि सकते तो तीनों को लिखो बात समझ में आए जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर वे में समझ में आ रहा ना आपको और क्या चीज़। हाँ जाएगा जरूर फोन लाया दुकान में मैंने भी देख लिया ये घर तो देखिए बोल ना कॉमन से कंट्रोल हो जाएगा आएंगे कल अपन और बढ़ेंगे उसमें इनपुट आउटपुट अच्छा नहीं लगता क्या आपको ये दिमाग की एक्सरसाइज होती है करते रहते कल से नहीं क्या कल से आपको डीपीएस दें डीपीएस लाऊं क्या वो डेली प्रैक्टिस कर करना रोज करो अरे सर होना
वो सोचने की बात है यार, या तो कई सोचे माहौल खराब हो सकता है, कई बोले तो फिर माहौल बनेगा। नहीं नए तो रोज नए थोड़ी नहीं, आप साथ में रखोगे तभी कैसे पीटे होंगे ना, अगर आप कैसे पीटे हो। देखो कहने की चीज होती है, यदि ऐसे बोले कि आप मंजे हुए हो तो आपको अच्छा लगेगा, आप जैसे पीटे बोलते हैं आपको भी लगता है। चार तो बाहर लेकिन काटती हूँ मैं। पटाओगे तो कोई बच्चों की स्कूल पटे वाले चिल्लर को बच्चों के ठीक है, आपके भी ठीक है, बोल तो सकते हैं मोहन और बंद हो सकता है को बोलता दो चार दिन बोलना है ठीक है। इधर अखंड मोहन और चल रहा है, तो इनको बोल के गए कि आप सुन रहे जाओ चार दिन, तब आप जो बोलोगे मैं वो कर सकता, आप सुन रहे ही नहीं। इन्होंने बात दिल पर ले ली, अब चुपचाप बैठ रहे, अब वो आ नहीं रहे, तो उनको बोला कि कहीं थोड़ी सी कोचिंग करके आ जाओ महीने दो महीने, जब तक घुट घुट के पूरे हो जाएंगे। देखो क्या लिखा है, अभी कौन सी हो रही है, चल मैं बताओ, चलो नेक्स्ट। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं रात को, अब देखो मान लो कि वो क्वेश्चन आपको ऐसा ना दे, मैं इस घड़ी को देख तो दुखी हो रहा हूँ, फालतू में बोल यस। देखो एक घड़ी ले लो, देखो यदि कोई दो आस, यदि कोई दो रेखी कोण युग्म का, यदि कोई दो रेखी कोण युग्म का, यदि कोई दो रेखिक कोण युग्म का अंतर 44 है, यदि कोई दो रेखिक कोण युग्म का अंतर 44 है, यदि कोई दो रेखिक कोण युग्म का अंतर 44 है, तो उन दोनों रेखिक कोण युग्म के बारे में बताइए, मतलब उनका मान कितना कितना होगा ये आपको बताना, बताओ राजस्थानी यदि कोई दो रेखी कोण युग्म का अंतर, अरे यार ये मिल रहा है, यदि ये कैन मत कर दो क्या बात है, एकदम सही मन किया, देखा अब मैं आपको एक जोक सुना दूं, अभी आप मैं जोक सुनाऊंगा ना उसका समस्त प्राणी मात्र से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तो कहने को हाँ सर सोच करेंगे लाएंगे। अब देखो मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया जोक है, आप तसल्ली से उसको दिमाग से, इसका मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखो दो रेखी कोण युग्म है, उनका दो रेखी कोण है युग्म, उनका अंतर 44 है, और हम जानते हैं कि उन दोनों का योग कितना होता है 180, तो इनको जोड़ो तो कितना बार दो कोण एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 4, 8, 4 का लगभग असल की ये 224, तो कोण एक्स बराबर कितना आ गया 112, ये कोण तो ये आ गया। अब इस 112 को उठा के कहीं रख दो, जैसे यहाँ रख दो, तो 112 माइनस कोण वाई बराबर 44, इसको इधर इसको इधर 112 माइनस 44 बराबर कोण वाई, ये बराबर 8,
तस्वीर के छे 68 की ये हो गया कौन भाई बोलो बात समझ में नहीं नहीं हो गया मामला से तो ये दो कौन है एक 112 तो ये तो मैंने बोला कि दोनों कौन एक कौन युग्म का अंतर 44 है और ये आपको पता है कि एक कौन युग्म में तुम दोनों का योग कितना है 1 अब मैं सुनाता हूं आपको ठीक है मुझे पता था ये उठेंगे तो कोई उल्टा ही बंद करेंगे ये सही बंद नहीं करेंगे अब देखो एक बार क्या हुआ एक क्लास उस क्लास में एक मास्टर जी ठीक है मास्टर जी की क्लास में पप्पू था कौन था पप्पू तो पप्पू को एक बार मास्टर जी ने बोला कि तू है ना तेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता बोला पप्पू उठ के वहां से रवाना एक दिन हुए पप्पू ने दिखाई दिया दो दिन हुए नहीं दिखाई दिया तीन चार पाँच छः महीने से बीत गए मास्टर जी को चिंता होने लगी थी पप्पू का पप्पू को देखने में पप्पू कहीं दिखाई नहीं दिया पप्पू ने बहुत दूर दराज के एरिया में जाकर कहीं एडमिशन ले लिया और घनघोर अध्ययन करना शुरू किया ठीक है फिर पप्पू पढ़ता गया पप्पू ने 11वीं में बायो ली फिर पप्पू ने 12वीं कर ली फिर पप्पू नेट की तैयारी करने चला गया नेट की तैयारी की और फिर पप्पू ने MBBS करना शुरू कर दिया MBBS किया करते तब तक मास्टर जी बूढ़े हो गए पूरे बुजुर्ग हो गए एक दिन मास्टर जी की हालत खराब बहुत ज़्यादा हालत ना थी इधर जयपुर ले गए दिल्ली ले गए कहीं पर इलाज हो नहीं रहा था मास्टर जी का फिर दिल्ली एम्स में उधर किया फिर करते 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 बोले कि हाईफाई डॉक्टर बुलाना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा फिर किसको बुलाया पप्पू को फिर पप्पू आया और पप्पू ने आते ही बिना किसी को कुछ पूछे मास्टर जी का इलाज शुरू किया और थोड़ी देर बाद मास्टर जी चले गए तो टीम ने जांच की कि पप्पू ने इतना अच्छा इलाज किया फिर भी मास्टर जी क्यों गए जबकि पप्पू तो मरे हुए को जिंदा करते थे तो बोले इतना टैलेंटेड डॉक्टर है तो फिर क्यों गए फिर काफ़ी रिसर्च के बाद में पता चला कि पप्पू ने जो ICU का फलक था उस पर अपना मोबाइल चार्ज पर लगा दिया जिससे मास्टर जी की डेथ हो गई आप लोग इतनी देर से इतना सीरियस होकर सुन रहे थे तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पप्पू ही रहता है चाहे MBBS कर ले ठीक है ना मतलब आप पॉइंट पकड़ में आया नहीं है ठीक है तो ये कोई जॉक था हमने सर पप्पू चलिए तो आज की क्लास में इतना ही सब तो क्या समझा है कि पप्पू ही रहता था नहीं करते तो आज की क्लास में इतना ही सफिशियंट है और बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच इसको चलिए